वो जो कंपनी काम कर रही थी ना जी, देखें मैं एक चीज़ आपको कहूँ, यूनिसेफ का जो प्रोजेक्ट है वो तो उनका अपना है, हमारे मातहत नहीं आते ना, वो ज़रूर हमसे मशवरा करते हैं। उनको जिस किस्म की सिक्योरिटी चाहिए या जिस किस्म की भी असेसमेंट चाहिए, सूबाई हुकूमत की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम पाबंद हैं कि उनको देंगे ताकि वो इलाके में तरक्की करें। जहाँ तक दहशतगर्दी का सवाल है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप मीडिया के ज़रिए भी मेरी एक गुजारिश है। देखें जहाँ तक हुकूमत का सवाल है, हर आदमी के साथ हुकूमत कहीं भी दुनिया में कहीं पे भी नहीं कि हर आदमी के साथ एक सिक्योरिटी का बंदा खड़ा हो। हमें आपका ताउन चाहिए, जितने तक वहाँ के लोकल ऑन बोर्ड नहीं होंगे ये दहशतगर्द अपने मजमूम अजायम में कामयाब होते रहेंगे। देखिए मैं, मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, मैंने पहले भी कहा कि मैंने इनको चैलेंज भी किया है, आज भी कहता हूँ, ये बताखोर हैं। आप हलफन कहें कि आपके कोल माइन वाले इनको बता दे रहे हैं नहीं दे रहे, आपके ठेकेदार इनको बता दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये चीज़ उनको प्रोजेक्ट करती है। उनको आप जैसे एक गुड़ फेंकते हैं या चीनी फेंकते हैं, मक्खी उधर आती है। आप लोग अब, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं थ्रू बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर आपसे किस चीज़ में वो ज़्यादा ताकतवर हैं, किसी चीज़ में भी नहीं है। अगर लोकल ऑन बोर्ड हो जाएं, एक वाक्या नहीं कर सकते। मेरे इलाके में उन्होंने एक वाक्या किया, उनको वो सबक मिला है कि आज तक वो याद करेंगे और वो बैकफुट पे चले गए। उन्होंने मेरा एक 12 साल का बच्चा, वो भी चोरी से माइंस रख के शहीद किया। हमने उनके वो फिर जो हुआ उनको उनसे जाके पूछें कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। देखें मेरी कौम मुतहद है, वो दहशतगर्दों को, मेरी कौम सब हम पाकिस्तानी हैं, मुझे फ़ख्र है मेरी केदरान कौम आज भी एक अमन पसंद, हम प्यार करने वाले, हम पाकिस्तानी, हम अपने को पाकिस्तानी कहते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये पठान है, ये। और उनकी जरूरत नहीं है कि हमारे इलाके में एक वारदात करेंगे 10 उनके साथ होंगे, लोग अपने पाँव पे खड़े हैं। तो मेरी गुजारिश आप सबसे ये है कि अपने अपने इलाकों में आप लोग बजाय FC पे भरोसा करें, बजाय आर्मी पे भरोसा करें, बजाय लेवीज़ का आसरा लेके बैठे हों, बजाय पुलिस का आसरा लेके बैठे हों, आप खड़े हो जाएं, वो एक फायर करें आप दो फायर करो, गवर्नमेंट आपकी पीठ पे खड़ी है, फिर देखें कि इनको देखें। वो इंसान हैं, वो आटा खाते हैं, गंदम खाते हैं, रोटी खाते हैं, चाय पीते हैं, चीनी, ये कहाँ से जा रही है? वो पहाड़ों में उगा रहे हैं या आसमान? वहाँ के लोकल ही उन पर सौदे बेचते हैं, वहाँ के ही लोकल उनको राशन देते हैं, वहाँ के ही लोकल उनको भत्ता खरीद करते हैं, जिसकी बिना पर वो आप लोगों के मासूम लोगों को आके कत्ल करते हैं, मजदूरों का कत्ल। कौन किस माशरे में किस मजहब में ये जायज़ है कि आप जाके एक लेबर है 1000 रुपए पर काम कर रही है, वो 1000 रुपए कमाता है, उसके 6 बच्चे बैठे हुए हैं, रात को रोटी के लिए तरसते हैं, और उधर से उसकी लाश है, क्या गुजरती है उस खानदान पर? वो 6 बच्चे भी मर गए, वो बीवी भी मर गई, वो माँ भी मर गई। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग उठें, आप लोग उठेंगे, इनकी जरूरत नहीं होगी। तो हम आपके साथ हैं, हर लिहाज से ताउन है, आप लोगों का ताउन चाहिए। आप ना इनको राशन दें, ना इनको बताखोरी करें, तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा।